सीखेंगे सेल साइकिल के स्टेप्स क्या होते हैं और ये कितने ओवर्स में कंप्लीट होती है। सेल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन ए सेल इट्स ग्रोथ एंड डिवाइड्स। मतलब कि एक सेल साइकिल का मतलब होता है कि इवेंट्स ऑफ सीरीज में चलती है जो ये एक ग्रोथ एंड डिवाइड्स होके न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। इसकी फेजेस देख सकते हैं अपन। इंटरफेज जिसमें G1 S एंड G2 फेज प्रेजेंट होती है, फिर माइटोसिस, मियोसिस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल से साइटोप्लाज्म का डिवाइडेड होकर टू सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इसके साइकिल्स में हम देख सकते हैं कि क्या क्या क्रियाएं होती हैं इंटरफेज की अलग अलग फेजों में। तो जीवन फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, क्योंकि जीवन फेज सबसे इम्पोर्टेंट फेज होती है। इसके अंदर पूरी डिवाइडेशन की जो भी प्रोसेस होती है उसके लिए प्रिपेयर की जाती है। तो इसमें जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो इसी के अंदर कंप्लीट होती है जो सेल की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें एंजाइम्स का फॉर्मेशन होना, DNA के बेस का एक यूनिट्स का एकुमुलेट होना और सेल ग्रो करके साइज में इंक्रीज होना, ये सारे इवेंट्स जीवन फेज में कंप्लीट होते हैं। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसमें DNA का सिंथेसिस होता है। DNA का सिंथेसिस के साथ साथ इसमें प्रोटीन एंड हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है एंड क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाते हैं। बाद में आती है G2 फेज को प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि ये अब डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। इसके अंदर एनर्जी स्टोरेज भी होता है, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज का कार्य होता है क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें एनर्जी स्टोरेज होती है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स RNA एंड माइक्रोट्यूबुल्स सबयूनिट सिंथेसिस। G2 फेज के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, RNA का होता है, माइक्रोट्यूबुल्स के सबयूनिट्स का सिंथेसिस हो जाता है जिससे कि ये क्रोमोसोम में मूवमेंट हो सके। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जीवन फेज ये 8 से 12 आवर्स की होती है, एस फेज 6 से 8 आवर्स और G2 फेज 4 से 5 और M फेज सबसे शॉर्ट फेज होती है, ये 1 आवर्स की होती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जीवन फेज में होता है और क्रोमोसोम कंडेंसेशन की प्रोसेस M फेज में होती है, क्योंकि जीवन फेज में ये डिकंडेंस होता है, बहुत ही एक दूसरे के ऊपर बाइंड किए रहता है, इसको कंडेंस M फेज में होता है। स्टेजेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की फर्स्ट फेज है इंटरफेज, इसमें G0 में ये न्यूक्लियस होता है और सेंट्रोमियर होता है। फिर ये अर्ली प्रोफेज में स्पिंडल का फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है एंड इसमें ये डिकंडेंसेशन के रूप में ये प्रजेंट होते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है DNA का और ये सेंट्रोमियर भी डिवाइड होकर टू सेंट्रोमियर में ट्रांसफर हो जाता है अलग अलग पोल्स पे। लेट प्रोफेज में ये क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। फिर मेटाफेज में हम देख सकते हैं, फिर मेटाफेज की ये एक लाइन में प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर एनाफेज के अंदर क्लीवेज फ्यूरो का फॉर्मेशन हो जाता है और ये एक दूसरे पोल्स की ओर कनेक्ट की ओर मूव करने लग जाते हैं। टेलोफेज में ये सेल के न्यूक्लियर
वॉल का फॉर्मेशन होने लग जाता है और ये एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाती है। ये दोनों सेल इंटरफेज में वापस एंटर कर जाती है। ऐसे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।